आज हिमाचल पथ परिवहन हमीरपुर डिपो के परिचालक भाई, जो हमारी कार्यकारिणी कनेक्टर यूनिट की बनी थी, उसके पश्चात आज पहली बार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इन्होंने अपने कुछ विचार साझा किए हैं। जो आज का ये हमारी मीटिंग थी, इसमें सर्वप्रथम हमने जो हिमाचल प्रदेश की नवनियुक्त सरकार है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और समस्त कैबिनेट को हम शुभकामनाएं देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने 20 साल पुरानी हमारी मांग को पूरा किया है। जो OPS पुरानी पेंशन उन्होंने बहाल की है, इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन के समस्त कर्मचारी उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं कि जो ये हमारी OPS बहाल की है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। इस ऐतिहासिक कदम जो सरकार ने उठाया है, इससे हमें एक और भी आशा हमारे दिलों में उत्पन्न हुई है। जो हमारा एक वेतन विसंगति का मुद्दा चला हुआ है, हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, वो हमारा हक है और हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि वो हमारा हक मजबूती से दिलाया जाए। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री बने हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है और हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने OPS बहाल करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसी प्रकार परिचालकों की वेतन विसंगति को भी हल करके जो परिचालक दिन रात मेहनत करते हैं, उनका भी भरण पोषण ठीक ढंग से हो सके। हमारी सरकार से सिर्फ यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।